जैसे इलेक्ट्रिकल आप 4 साल पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको नहीं लगता कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज़्यादा अच्छा बन सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर? आई बिलीव कि लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी अभी तो और टाइम है आपके पास, अराउंड 1 साल है, और कंपनी को टारगेट करो। आई थिंक मुझे लगता है कि आप और बेस्ट कंपनी में प्लेस हो सकते हो। अभी एक्चुअली ऐसा है कि अभी लाइक हम ड्रीम पैकेज में प्लेस तो हो ही गए हैं, तो अब हम सुपर ड्रीम में ही बैठ सकते हाँ हैं। जब भी वो कंपनी आएगी तो आई वुड रियली वॉन्ट कि मैं उसके लिए भी अभी आप प्लेस हो गए हो, अब इंटर्नशिप के लिए भी जाओगे, तो अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? अच्छा तुम भी आओगे वीडियो में? ना मैं नहीं, अच्छा है, नाइस। तो स्टार्ट करें मैम। या राइट, सबसे पहले मैम आप अपना इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो मैं पीहू फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, और फाइनल ईयर में हूँ मैं। और नाउ मे बी रिसेंटली आई हैव बीन प्लेस्ड इन ओरेकल एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। मैम आपका नाम का मतलब क्या है? पीहू? ओके, सो पीहू का लाइक गूगल पे मीनिंग है टॉकेटिव, बट लाइक मेरे पेरेंट्स ने इसलिए रखा बिकॉज पीकॉक सेज पीहू पीहू। ओके, या सो अभी तक का कैसा रहा कैंपस जर्नी? अभी तक की कैंपस जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, अप्स एंड डाउन्स रहे एक्चुअली। लाइक कभी कभी असाइनमेंट्स का टेंशन, या फिर कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना, दैट वॉज फन। और ओवरऑल अच्छा रहा, लाइक इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, एंड आई विल मिस कॉलेज व्हेन आई गो फ्रॉम हेयर। ओके, आप कोविड से हो ना, आपके साथ 1-1.5 साल कोविड या में रहे बस थे, एक ही साल हम यहाँ रहे हैं, लाइक पिछली मई में आए थे, अभी 1 साल और हो ना आप। मार्च में। नहीं मतलब अब इंटर्न के लिए चली जाऊँ प्रॉबेबली, इन ओके, केस कहाँ अगर मैं गई तो फिर आई हैव जस्ट 3 मंथ्स फ्रॉम हुआ, नाउ। कहाँ इंटर्न कर रहे हो अभी? ओरेकल में ही 6 मंथ्स इंटर्न प्लस FTE का ऑफर है, तो आई विल बी गोइंग देयर ओके, मतलब प्रॉबेबली। पीपीयू मिला आपको? नहीं, 6 मंथ्स इंटर्न प्लस FTE ही ऑफर है, पीपीओ ओके, नहीं, प्लस मतलब FTE पक्का ही है। मतलब इंटर्नशिप प्लेसमेंट एक साथ ही है। या राइट, ओके मैम, कैसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड फैकल्टी इलेक्ट्रिकल कैसा है? ब्रांच काफ़ी अच्छी है, लाइक थोड़ी टफ हो सकती है समझने के लिए, मतलब काफ़ी फिजिक्स है, मैथ्स भी, मैथ्स तो फर्स्ट ईयर में ही थी बट फिजिक्स अच्छी है काफ़ी। और वैसे फैकल्टी अच्छी है, काफ़ी कोऑपरेटिव है मार्क्स में, या फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में, अगर किसी को नहीं समझ आता डाउट्स वगैरह लेने में, क्विजेज में PPTs देते हैं वो हमें, तो ओवरऑल अच्छी है फैकल्टी और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है। अगर किसी को टेक की तरफ भी जाना है तो दे डू गाइड। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा टफ ब्रांच है, कितना ज़्यादा टफ है वो? ज़्यादा भी नहीं है, मतलब अगर तुम क्लास में सुनते हो तो आई बिलीव कि हो जाएगा, लाइक इतना भी कुछ नहीं है कि अगर तुम मतलब लास्ट के 15 दिन में कर रहे हो और फिर तुम्हें टफ ही लगेगा ऑब्वियसली, बट अगर तुम थोड़ा बहुत क्लास में सुनते रहो, मैम का ध्यान रहो या सर का बातों पे ध्यान दो, थोड़े बहुत नोट्स बना लो, या फिर इनकेस नोट्स भी नहीं बनाते हो किसी से ले लो नोट्स, वो पढ़ लो बाय टाइम, तो भी हो जाएगा। अभी आप रिसेंटली इंटरव्यू देखे हो ना, फ्राइडे को था आपका? फोर्थ को था, हाँ, तो कैसा फोर्थ रहा मैम अगस्त आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। लाइक अराउंड 8:45 पे हमें PPT का टाइम दिया हुआ था ओरेकल की तरफ से, तो अराउंड लाइक 13 to 15 मिनट्स बाद वो शुरू हो गया था, 30 to 50। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने, सब कुछ बताया ओरेकल का वर्क कल्चर कैसा होगा, वहाँ पे लोग कैसे हैं, कैसी वहाँ पे लाइफ है लोगों की, एंड वो हमें क्या करवाएंगे प्रॉबेबली, उन्होंने कॉम्पनसेशन के बारे में भी बताया, एवरीथिंग वॉज देयर। एंड जो जो सर हमें प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ही वॉज वेरी इंट्रैक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग, तो लाइक PPT वॉज अ रियली गुड थिंग। और फिर इंटरव्यू प्रोसेस कुछ तभी एक ब्रेक के बाद शुरू हो गया था कि इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू गेट फ्रेशन अप एंड ऑल, तो वो होके इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सबके राउंड्स का नंबर जो था वो वेरी कर रहा था, और 2 यूनिट्स थी, एक थी फूड एंड बेवरेजेस और एक थी कम्युनिकेशन, तो मेरी थी कम्युनिकेशन वाली यूनिट। तो हमारा IT बिल्डिंग में हुआ सारा प्रोसेस। तो फर्स्ट राउंड में हमारा ऐसा था कि मुझे DSA बेस्ड क्वेश्चंस थे, OS पे थे और OOPS पे थे, मोस्टली लाइक कोडिंग के क्वेश्चन तो एक ही थे, एंड बाकी ज़्यादा फोकस फर्स्ट राउंड में OOPS पे था, और थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जैसे व्हाट इज ट्रीज एंड ऑल दैट, कॉन्सेप्ट ट्री कैसा होता है वगैरह। फिर उसके बाद कुछ लाइक 30 मिनट्स बाद मेरे को पता चला कि सेकेंड राउंड भी होने वाला है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं सेकेंड राउंड के लिए गई। वो सर भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया पहले, फिर मैंने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया, एंड देन वी स्टार्टेड विद द राउंड, और उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे OOPS पे,
कुछ DBMS पे भी और OS पे कम पूछे, थोड़ा बहुत मेरे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कवर किया उन्होंने, पूछा मुझे, और अराउंड 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे मेजरली लिंक्ड लिस्ट पे और एक ट्रीज पे, प्रोबेबली मीडियम लेवल क्वेश्चंस लीट कोड के, एंड फिर बस दैट्स ऑल। इंटरव्यू इतने में सेकंड वाला भी खत्म हो गया, दो ही मतलब दो राउंड दो हुए थे। दो राउंड हुए, और उसके काफी लाइक 30 मिनट्स बाद ही अगेन मुझे पता चला कि थर्ड राउंड भी होगा, पर उसके लिए काफी वेट करना पड़ा मुझे, लाइक काफी 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे तो लग ही गए थे। फिर उसके बाद थर्ड राउंड HR राउंड था, तो उसमें HR के साथ मीटिंग थी, वो काफी अच्छे HR थे, लाइक उन्होंने खड़े होकर हैंड शेक किया एंड ऑल, इट वॉज रियली गुड, इंटरेक्टिव था, और उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में पूछा, बैकग्राउंड के बारे में पूछा लाइक, और मेरे प्रोजेक्ट से भी थोड़ा बहुत रिलेट किया चीज़ों को, मतलब वो बैकएंड किस के किस बारे पे में पूछना प्रोजेक्ट था था। आपका? मेरा प्रोजेक्ट मेनली NITJK की जो वेबसाइट है वो, उस पर मैंने काम किया है, जो अभी न्यू न्यू हाँ डेवलप्ड डिजाइन। वेबसाइट है उसकी फ्रंट एंड डेवलपर हूँ मैं, तो उन्होंने वही APIs वगैरह के बारे में पूछा मुझे, तो दैट वॉज द मेन थिंग अबाउट HR राउंड। तो वो थोड़ा छोटा था, द अर्लियर इंटरव्यूज वर अराउंड लाइक 45 to 50 मिनट्स, और ये वाला थोड़ा 30 to 35 मिनट्स तक का था, और बस फिर HR ने तभी कहा कि नाउ यू कैन गो। तो फिर उसके बाद काफ़ी लाइक 1 या फिर 1.5 घंटे बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट थी, तो रिजल्ट अनाउंसमेंट के पहले उन्होंने CGBU वालों का ही, मतलब मेरे कम्युनिकेशन वालों का रिजल्ट आना था, तो उसमें मेरा फर्स्ट नाम बोला उन्होंने, फिर उसके बाद काफ़ी बच्चों का और बोला, मेरे लाइक और 2 फ्रेंड्स सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे ही फूड एंड बेवरेजेस में भी एक और मेरी फ्रेंड सिलेक्ट हुई है। तो क्या फीलिंग क्या थी मैम जब आपका नाम सुना कि फाइनली आप काफ़ी अच्छी सिलेक्टेड फीलिंग हैं? थी, लाइक आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आई ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल, मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, इट इज़ रियली गुड। मैम जैसे हम लोग एंटर करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो क्या होता है, क्या डर होता है, या कैसे वो हम लोग को जज करते हैं एंड वो कोई एक पर्टिकुलर तो केस? मतलब आई पर्सनली बिलीव कि वो हमें काफ़ी, मतलब एक तो बॉडी लैंग्वेज पे काफ़ी जज करते हैं, तुम कैसे बैठे हो, तुम कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, लाइक मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि, मैंने खुद भी फील किया कि मैं काफ़ी ऊंची बोल रही थी, क्योंकि सेम लैब में 2-3 लोगों का चल रहा था इंटरव्यू, तो लाइक उससे प्रॉबेबली मेरा कॉन्फिडेंस दिखा होगा, या और मतलब जैसे उन्होंने मुझे अपनी इंट्रोडक्शन दी सर ने, तो मैंने उन्हें इंट्रोडक्शन में से कुछ क्वेश्चंस पूछे, एंड में जाते हुए मैंने उन्हें कहा कि इट वॉज़ रियली नाइस टू टॉक टू यू एंड ऑल एंड थैंक यू वगैरह, और एंड में जब उन्होंने कहा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो मैंने PPT में से जो चीज़ें ध्यान से सुनी थी या फिर जो मैं खुद क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आई थी उनका कुछ मिक्सचर करके पूछ लिया उन्हें, तो या दीज आर द थिंग्स। मैम इलेक्ट्रिकल एक ब्रांच है कोर, एंड आपने आईटी में आपने प्लेसमेंट लिया, तो क्या रीज़न था आईटी में शिफ्ट होने का? रीज़न एक्चुअली ये था कि हमारा जो फर्स्ट सेम है उसमें हमें सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज थी, तो तब से ही मुझे काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग लगी लाइक सी लैंग्वेज नॉल, मतलब आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर, एंड धीरे धीरे फिर मैंने किया भी सी में, C++ में, एंड लाइक ज़्यादा फिर मैंने सेकेंड ईयर में मोस्टली मैंने वेब डेवलपमेंट पे फोकस किया, फिर धीरे धीरे मुझे इंस्टीट्यूट वेबसाइट में काम करने का मौका मिला, इट वॉज ऑल्सो अ रियली गुड एक्सपीरियंस, आई लर्न अ लॉट लाइक कम्युनिकेशन वगैरह सारी, मेरे मेंटोर हरिमुरुगन सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया कि कैसे प्लेसमेंट के लिए प्रेप करनी है एंड ऑल, तो काफ़ी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, और कोडिंग भी DS से साथ साथ में चलता रहा, थोड़ा बहुत वेबसाइट का काम, थोड़ा DS से, सब मिलके एक अच्छी चीज़ रही। तो मैम ऐसा नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रिकल आप 4 साल पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको नहीं लगता कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज़्यादा अच्छा बन सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर? आई बिलीव कि लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी थ्योरेटिकल नॉलेज भी है और प्रैक्टिकल भी हमें वैसे मिलते हैं, पर इट्स लाइक मेरा पैशन मुझे, मतलब ज़्यादा IT साइड था, टेक्निकल साइड था, तो आई बिलीव कि अगर मेरा पैशन उस साइड है तो आई वुड रियली वॉन्ट टू गो देयर, मतलब जो हमारा मन होता है हम उसमें बेस्ट कर पाते हैं, तो अगर ऐसा नहीं है कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो मुझे वो अच्छे से ही आती होगी, पर मैंने पूरा अपना मन से जो खुद चीज़ें सीखी हैं, वेब डेवलपमेंट सीखी है, मेरे मेंटोर ने जो मुझे गाइड किया, मैंने DS से किया, C++ की, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, मैं उसमें जाना प्रेफर करूँगी और उसमें मैं बेटर कर सकती हूँ आई बिलीव। तो क्या सीजी रही थी मैम अभी तक एक, और मेरी अभी तक की CG 8.36 है, कितना वैल्यू है सीजी का जब CG इंटरव्यू? का वैल्यू इनफैक्ट मैंने ओरेकल में ही महसूस किया कि जैसे कुछ लोग थे जो प्रोबेबली फॉर सम रीजंस वी डोंट नो उन्होंने इंटरव्यू
नहीं लाइक वो डिन दे डिन अपीयर फॉर द इंटरव्यू. तो उस टाइम ओरेकल वालों ने क्या किया कि रैंडम शॉर्ट लिस्टिंग की कुछ बच्चों की सीजी बेस्ड, जिनकी सीजी अच्छी थी, वो हर ब्रांच से कुछ कुछ बच्चे उन्होंने उठा लिए. हमारी ब्रांच से भी दो बच्चे उन्होंने सीजी बेस्ड उठाए थे. तो वहाँ मुझे सीजी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह पता चली. रियली कितना रखना चाहिए सीजी मेंटेन? आई बिलीव कि 8.5 से ऊपर रखना चाहिए. लाइक दैट इज प्रेफरेबल. अगर तुम टॉप 5 से 10 बच्चों में आ रहे हो तो इट इज़ अ गुड थिंग. तो हम इंटरव्यू इंटरव्यू तो आपके चलो हो गया, वो मतलब इंटर्नशिप कैसे आपने फाइंड आउट किया और क्या उसकी प्रिपरेशन थी, किस कंपनी को आपने टारगेट किया था? ओके. तो इंटर्नशिप का तो ऐसा था कि मैंने सेकंड ईयर में इंटर्न की थी, एक ऑनलाइन इंटर्न, रिमोट इंटर्न. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक, अर्थ लव यूनाइटेड, वहाँ पे. एंड ये जो इंटर्नशिप है ये मेरे को लिंक्डइन पे मिली थी. लिंक्डइन पे मैं यूजुअली सर्च करती रहती थी कि जो मेरी स्किल्स होंगी वो मैं भर देती थी और कहती थी कि इसके रिलेटेड जो भी इंटर्न्स हैं जो मेरी स्किल्स को रेलिवेंट लगती हैं वो मुझे मिल जाए. तो ऐसे ही मुझे एक अर्थ लव यूनाइटेड जो थी वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिली थी अप्लाई करने पे. तो वहाँ पे उनके एचआर से मेरी बात हुई लिंक्डइन पे, एंड जो इंटरव्यू वगैरह था वो भी ऑनलाइन ही हुआ. एंड देन आई वर्क फॉर देम फॉर लाइक 6 मंथ्स. मैंने उनकी वेबसाइट को मैनेज किया, मैंने प्रॉबेबली कुछ कोड चेंजेस किए, उनका जो यूआई यूएक्स है उसके भी कुछ चेंजेस सजेस्ट किए और उनका कोड मैनेज किया. दैट वॉज ऑल माई जॉब. और उसके बाद जो सेकेंड इंटर्न है मेरी वो NITJ वेबसाइट है. ये इसका ईमेल आया था हमें कि लाइक न्यू वेबसाइट टीम बन रही है, एंड सिंस आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट एज वेल अलॉन्ग विद DSA, तो आई थॉट कि आई शुड प्रॉबेबली गो फॉर इट. तो मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने, हमने दोनों ने इकट्ठे अप्लाई किया. एंड देर वर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, उसमें से उन्होंने अराउंड 30 पीपल सिलेक्ट किए. तो वी वेंट फॉर एन इंटरव्यू एक्चुअली फॉर दैट ऑल्सो. लाइक आई शोड माई प्रोजेक्ट्स, देर वर 5 पीपल अराउंड. तो लाइक प्रोफेसर्स ही थे, फैकल्टी मेम्बर्स थे, एंड दैट्स हाउ वी गॉट सिलेक्टेड. लाइक 20 पीपल था एक्चुअली दैट वो गॉट सिलेक्टेड. या इट वॉज अ गुड प्रोसेस. ओके मैम, तो एक्स्ट्रा कैरिकुलम का क्या रोल है आपके जॉब में? एक्स्ट्रा करिकुलर में आई एम अ पार्ट ऑफ लाइक SI क्रू डांस क्लब. सो इसमें इसने ऐसे हेल्प किया कि इससे मैं कुछ एक्टिव रही. बिकॉज लाइक अगर तुम पूरा दिन बैठे रहो, कोडिंग करते रहो, या फिर यू डू जस्ट नथिंग, क्लासेस से आ रहे हो, थक रहे हो, डूइंग समथिंग, सो जा रहे हो, फिर इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. मतलब थोड़ा एक्टिव भी रहना चाहिए. सो आई ज्वाइन दिस डांस क्लब एंड आई रियली वॉन्टेड टू एक्चुअली लर्न डांस. तो मैंने डांस क्लब ज्वाइन किया और मेरी लोगों से इंट्रैक्शन बनी, उससे भी काफ़ी हेल्प हुई. सीनियर्स ने, डांस क्लब के सीनियर्स ने भी काफ़ी गाइड किया मुझे, इस वे में काफ़ी हेल्प हुई है मेरी. IT सेक्टर में आप जब शिफ्ट हो गए तो क्या क्या चीज़ों पे आपने काम किया? DSA आपने की होगी। DSA पे किया और मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव करने में C++ में DSA पे ही मेन फोकस किया मैंने. और वेब डेवलपमेंट तो है ही है, मतलब मोस्टली फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट ही की मैंने. कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, क्लोन्स बनाए वेबसाइट्स के वगैरह. और लाइक DSA में मैंने लीट कोड, GFG जैसे होती हैं, इन सब वेबसाइट्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सब वीडियोस देखी, कुछ समझने की कोशिश की. तो ये सारा प्रोसेस था कोई रेफरेंस सीखने. देना चाहते हो जो जहाँ से सीख सके ये चीज़ें? मैंने मोस्टली लाइक एक प्लेलिस्ट है स्ट्राइवर की, उनसे काफ़ी कुछ सीखा. लाइक मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है उन पे. लाइक मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा. और लाइक नॉट जस्ट हिम, जैसे लिंक लिस्ट के लिए मैंने फ्राज को फॉलो किया. उनकी प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी है फ्राज के लिए. लाइक अगेन बाइनरी सर्च के लिए स्ट्राइवर को ही फॉलो किया. ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए चेंज किया कुछ कुछ, मतलब जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे मैंने उस हिसाब से थोड़ा मोल्ड किया चीज़ों को. और GFG के आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो भी प्रेफर किए जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं, उनकी थ्रू काफ़ी सीखा जा सकता है आई बिलीव. मैम आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छी है, अच्छा, तो इसके हिसाब से क्या आपको कोई बेनिफिट HR राउंड या जो भी आपका इंटरव्यू राउंड था? क्योंकि काफ़ी काफ़ी मतलब आई अभी तक जितना मैंने इंटरव्यू किया ना, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं या कुछ होता है ब्रेक, बट आप इतने अच्छे से बोल रहे हो ना कि मतलब ऐसा तो होता है ना कि वहाँ पे एक कम्युनिकेशन रोल बहुत अच्छा होता है। काफ़ी काफ़ी रोल प्ले किया कम्युनिकेशन में. जैसे मैंने बताया कि मैं काफ़ी अच्छी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी, पूरी तरह इंग्लिश में फ्लो में बात कर रही थी. इवन इफ आई डिडंट नो समथिंग, तो मैं लाइक ऐसा नहीं है कि कह रही हूँ कि वेट अ मिनट या फिर रुक जाओ या कुछ. तो मतलब आई टुक द पेपर, उन्होंने, उनके पास पेपर भी था. मैंने अगर अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ तो आई जस्ट ड्रॉ द थिंग और
लिख के बता दिया या कुछ, तो दैट वॉज अ पार्ट. मतलब कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, इट रियली इज. एंड कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए आई थिंक जैसे हमारे सर ने ही हमें सजेस्ट किया था कि अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, क्योंकि इंग्लिश डज प्ले अ पार्ट, तो तुम्हें अपनी इंग्लिश के लिए इंग्लिश मूवीज देख लेनी चाहिए वंस इन अ वाइल. बिकॉज सेकेंड थर्ड ईयर में, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी टाइम होता ही है. मतलब इतना टाइम होता है कि तुम कम्युनिकेशन के लिए एक आध मूवी एक बार देख लो तो ठीक है, इट्स फाइन. सब टाइटल्स के साथ देख लो या फिर इंग्लिश गाने सुन लो, तो इट हेल्प्स, इट डज हेल्प. तो ऐसे वर्ड्स दिमाग में आने लग जाते हैं तो फिर वो फ्लो बनता है, फ्लो अच्छा लगता है सामने वाले को भी. मैम, अभी आप प्लेस हो गए हो, अब इंटर्नशिप के लिए भी जाओगे, तो या अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? नेक्स्ट टारगेट क्या है? तो नेक्स्ट टारगेट के बारे में तो मैं यही सोच रही हूँ कि जैसे ओरेकल है, ओरेकल में सबसे अच्छी तरह काम करना चाहती हूँ, सबसे कुछ अच्छे बॉन्ड्स बनाना चाहती हूँ. जैसे कॉलेज में काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, इट रियली प्लेड अ गुड पार्ट. मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे हमेशा, तो मतलब वो ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है चीज़. तो वहाँ भी जाके मैं अच्छे बॉन्ड्स बनाना चाहूँगी, अच्छे से चीज़ें सीखना चाहूँगी, अच्छे मेंटोर चाहूँगी. बिकॉज मेंटोर काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाते हैं. यहाँ पे मेरे जो काफ़ी सारे मेंटोर हैं, सब टीचर्स एक तरह से मेंटर ही हैं. ई की फैकल्टी क्योंकि बहुत कॉपरेटिव है, तो सबने ही गाइड किया हर चीज़ के लिए. तो आई वुड वॉन्ट कि वहाँ मैं एक अच्छे से मेंटोर लूँ और अच्छे से बॉन्ड्स बनाऊँ, आगे ग्रो करूँ, अपनी ही एसटी लाइन में ही काफ़ी आगे जा पाऊँ. तो अभी तो और टाइम है आपके पास, अराउंड 1 साल है, और कंपनी को टारगेट करो। आई थिंक मुझे लगता है कि आप और बेस्ट कंपनी में प्लेस हो सकते हो। अभी एक्चुअली ऐसा है कि अभी लाइक हम ड्रीम पैकेज में प्लेस तो हो ही गए हैं, तो अब हम सुपर ड्रीम में ही बैठ सकते हाँ हैं. जब भी वो कंपनी आएगी तो आई वुड रियली वॉन्ट कि मैं उसके लिए भी बैठूँ. बिकॉज इंटरव्यू प्रोसेस इज समथिंग आई रियली लाइक. मतलब बहुत अच्छा था, स्मूथ था इस बार इंटरव्यू प्रोसेस. टीपीओ की तरफ से काफ़ी सब अच्छा था, पीआरस ने काफ़ी हेल्प की. कभी कोई घबराता था या कुछ तो वो देते थे कि इट्स ओके, फाइन, सब ठीक है. इनफैक्ट अजय सर भी काफ़ी बार आए, टीपीओ हेड, तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था. और वैसे कंपनीज की तरफ से भी काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग होता है इंटरव्यूज देना एंड ऑल. तो आई वुड रियली वॉन्ट कि मैं और इंटरव्यूज दूँ, एंड इफ आई गेट सिलेक्टेड दैट वुड बी रियली ग्रेट. ठीक है मैम, एंड यहाँ तक तो हमने ख़त्म कर ली, बहुत सारी आपसे बातें कर ली, पढ़ाई लिखाई की। कुछ और शेयर करना चाहते हो जो भी जूनियर्स आ रहे हैं, यू नो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी अभी आने वाली है, जो अभी है इस कैंपस में, क्या कहना चाहते हो उनके लिए? क्या टिप्स है, क्या प्रिपरेशन है, क्या करना कहना चाहते हो अच्छा, आप? तो अगर मैं कहूँ कि मेरी क्या छोटी बहुत गलती रही, वो ये थी कि मैंने जो सीएन के, मतलब सीएस के फंडामेंटल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे सीएन, डीबीएमएस, सूप्स वगैरह, ये काफ़ी लाइक एंड के लिए छोड़ दिए थे. ये जो अभी 2 महीने की ब्रेक आई थी, इसमें मैंने ज़्यादा इन पे फोकस किया. या फिर तो फिर इसके कारण क्या हुआ, इंटरव्यू से, क्योंकि एक दिन पहले ही हमें पता चला कि हमारा इंटरव्यू होने वाला है, तो वो जो आधा दिन था वो काफ़ी पैनिकिंग हो गया था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी. तो आई वुड से कि जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम डीएस से कर लेते हैं पहले, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो बस याद ही करने हैं, ये एंड में कर लेंगे. आई वुड वॉन्ट कि बच्चे ऐसा ना करें, थोड़ा थोड़ा इन पे भी ध्यान दें, क्योंकि ये थोड़ा रिवाइज करने पड़ते हैं बार बार, तो इन कई बार भूल भी जाते हैं इंटरव्यू के टाइम. सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो साथ साथ में करना चाहिए. और डीएससी के लिए जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, डू इट एवरी डे. मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कभी कर रहे हो, कभी छोड़ रहे हो, कभी ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. मतलब बहुत मल्टीटास्किंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो तुम्हारा एम है, गोल है, अगर एसडी है एक्चुअली गोल, तो डीएससी पे फोकस करो. लाइक डू इट एवरी डे एंड हैव अ गुड प्रोजेक्ट. अगर प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट का नहीं, ऐप का है या फिर एमएल का है, एनीथिंग, यू वुड वांट कि तुम्हें अच्छी तरह आता हो, क्योंकि इंटरव्यू कुछ भी, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे वो. तो या दैट्स ऑल आई वुड वांट टू से. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि एनआईटी जलंधर के बारे में क्या कहना चाहते हो? आप जब आए थे कैसे थे, नाउ आप कैसे हो, क्या चेंजेस आए, क्या राइट. इम्प्रूवमेंट थी? एनआईटी जालंधर ने एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना दिया है. लाइक आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट जितना अभी मैं लग रही हूँ. तो लाइक वही, जैसे मैंने इंटर्न्स की, एनआईटी जे वेबसाइट पे काम किया, मेंटर से बात की, टीचर्स का सपोर्ट था, अच्छे फ्रेंड्स थे, मतलब इस सब के मिक्सचर ने क्या किया कि मुझे एक कॉन्फिडेंट इंसान बना दिया. लाइक क्योंकि सब बता रहे थे कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हर तरफ से अच्छी गाइडेंस मिल रही थी, तो आई हैड अ पेव्ड पाथ कि मतलब मुझे ऐसा ही करना है. एंड आई न्यू अ क्लियर वे, क्योंकि सबकी गाइडेंस डज हेल्प. तो मैंने
वही किया, और मतलब एनआईटीजे का लाइक जो लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी रही। फ्रेंड्स के साथ घूमे भी, ऐसा नहीं है कि हर टाइम पढ़ाई की, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम हर टाइम पढ़ते रहो, नो, तुम घूम भी सकते हो, मज़ा कर सकते हो, कभी कभी दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, क्लास में भी कभी कभी सुन लो कभी ना सुनो चल जाता है। तो और बस अपनी जो गोल है उसको कभी मत भूलो, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो कैसा लगा मैम हमारा वाला इंटरव्यू, और जो लास्ट आप इंटरव्यू देखे हैं? ये भी काफी अच्छा था, और वो तो अच्छा था ही, चलो उससे, चलो मुझे प्लेसमेंट मिल गई ये ठीक भी है, अच्छा थैंक यू सो था। मच मैम, थैंक यू सो बहुत अच्छा मच, लगा मैम। मुझे और भी। ये हमारा एनएचएल ब्लॉग चैनल है एंड ऑफिशियली ये ओके वीडियो आएगी, सो आप राइट, बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर दिए, करते नहीं है। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हाँ लाइक कीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी बोल दीजिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक थैंक यू यू, सो मच मैम, थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा। आई मुझे भी। होप ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आई वुड होप सो टू।